देखिए, एक बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में सनसनीखेज घटना कोतवाली देहात के दरियापुर गांव में घटित हुई थी। 22 तारीख की रात को लगभग 8:40 बजे एक लाल रंग की कार से करीब 5-6 लड़के सिगरेट की दुकान पे आए। निसार अहमद नाम के व्यक्ति हैं जो कैंटीन चलाते हैं, और सिगरेट लिया। 20 रुपये को लेकर के कुछ इनमें आपस में विवाद हुआ, जिसमें निसार अहमद का बेटा जो BSF में नौकरी करता है अफसर अहमद, वो भी मौजूद था, उसके द्वारा हाथापाई की गई। इसके बाद ये लड़के जो कार से आए थे, लाल रंग की कार से, वापस चले गए, और लगभग 9:55 के आसपास ये दोबारा 3 मोटरसाइकिलों पे 9 की संख्या में कुल आए, और आते ही इन्होंने वहाँ तोड़फोड़, मारपीट, फायरिंग शुरू की और 2 लोगों को गोली लगी। एक तो जो कैंटीन संचालक निसार अहमद थे उन्हें, और उनका बेटा अफसर अहमद जो BSF में नौकरी करता था, उसके जांघों में गोली लगी। बाद में दूसरे दिन निसार अहमद की एम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। नोएडा की सीमा से एक लाल रंग की गाड़ी ट्रेस हुई, उस गाड़ी का जब पता किया गया तो गाड़ी जो है वो कटने के लिए कबाड़ी के यहाँ चली गई थी, जहाँ कटी हुई अवस्था में मिली। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी को बरामद किया गया और थाने पर लाया गया, और फिर इस घटना का अनावरण हुआ। अनावरण घटना में ये 4 अभियुक्त, जिसमें एक का नाम पंकज वाल्मीकि है जो दनकौर का है, दूसरा भी इसी के गांव का अमित वाल्मीकि है, तीसरा रिक्की उर्फ आकाश है जो चिंदावली थाना दनकौर का रहने वाला है, और भूरा भाटी है, ये भी दनकौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन 4 की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से वो अल्टो कार लाल रंग की जो थी, जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, कटी अवस्था में बरामद की गई है। इनके पास से 2 पिस्टल 32 बोर के और 6 जिंदा कारतूस जो घटना में प्रयुक्त हुए थे पिस्टल, वो बरामदगी की गई है। और इसमें कुछ अभियुक्त भी और हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें प्रयास कर रही है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।